साहब ढेर हो गया एफसीआई के गोदामों में दना दना एक्शन। एक्शन इस बदहाली के खिलाफ भी अब थोड़ा ले लीजिए। तस्वीर ही दिखा रही है कि व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की खटिया पर है। स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही इतनी बीमार पड़ी हुई है कि लोगों के कंधे पर बोझ बनकर अस्पताल की ओर निकल पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री जी, बहुत बीमार पड़ा है आपका ये स्वास्थ्य सिस्टम, तनी स्लाइन स्लाइन भी चढ़ा दीजिए। एक्शन के जरिए ही तनिक फुर्ती स्वास्थ्य विभाग में भी ला दीजिए ना, क्योंकि जान ले रही है स्वास्थ्य मंत्री जी आपकी ये बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। कहिए तो, एक अदद एम्बुलेंस के लिए दूर दराज के लोग तरस जाते हैं। नौबत ये तक आ जाती है कि खटिया से मरीज को अस्पताल तक ले जाया जाता है। अब इस खटिया पर लेट कर मरीज अस्पताल से पहले परलोक सिधार जाते हैं। मेरी चाची शांति कुजूर का देहांत हो गया है, तो सुबह में अपने दैनिक कार्य की वजह से बाहर निकली हुई थी, तो बरसात में फिसल कर गिर जाने की वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई थी। और हमारे गांव में सड़क एवं पुल की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें गाड़ी में ले जाने में दिक्कत हो गया, तो हम लोग खटिया के द्वारा ले जा रहे थे। इसी क्रम में लेट हो गए तो उनका देहांत रास्ते में हो गया। और क्या समस्या है यहाँ? हमारे गांव में पानी का भी समस्या है, सड़क बिजली एवं पुल का भारी समस्या है। आवेदन दिए थे पहले कहीं? हाँ, बहुत बार आवेदन दिए थे, ग्रुप में दिए थे, वीडियो के पास दिए थे, मुखिया के पास भी आवेदन दिए थे, पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। शर्मनाक है ये, और कतई बर्दाश्त के लायक भी नहीं। एम्बुलेंस नहीं, सड़कें नहीं, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं। ये 24 साल के झारखंड में विकास की बानगी है, लातेहार में विकास के दावे की हकीकत है। बसेरिया की आदिवासी महिला रेमिश मिंज बीमार पड़ गई थी, हालत गंभीर हो गई, लेकिन गांव में मूलभूत सुविधाएं रेमिश मिंज से ज्यादा पहले से ही बीमार पड़ी हुई थी। परिजनों ने मरीज को खाट पर लिटाया, चल दिए इलाज कराने अस्पताल की ओर, लेकिन बदहाल सड़कें, एम्बुलेंस का अभाव के आगे ये हार गईं। अस्पताल पहुंचने से पहले इन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वडाण प्रखंड के दुरूप पंचायत बसरिया टोला गांव में एक आदिवासी महिला जो कि बीमार और घायल थी, गांव में सड़क और पुल नहीं होने के कारण उनके परिजन लोग चारपाई में उनको ढोकर अस्पताल ले जाने का कोशिश कर रहे थे, और वो चारपाई में ले जाने के क्रम में ही उनका मृत्यु हो गया। बसरिया गांव में रोड पुल और बिजली नहीं रहने के कारण यहाँ के जनता कई वर्षों से परेशानी का सामना कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें जानकारी मिली है कि महुआ डांड प्रखंड के दुरूप पंचायत में एक लेडीज का पैर टूटा था और सड़क के अभाव से उसे खटिया में अस्पताल लाया जा रहा था, और लाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। ऐसा है, जहाँ जहाँ रोड नहीं है वहाँ वहाँ मैं जिला पदाधिकारी को, डीसी महोदया को मैं बताऊंगी, दिशा निर्देश करूंगी कि वहाँ पर रोड बनाया जाए और इस तरह से घटना न हो। वहाँ पर रोड बनेगी, एम्बुलेंस जाएगी और मौत से भी महिलाएं और पुरुष बच सकेंगे। झारखंड से बदहाली की ये तस्वीर पहली दफा सोशल मीडिया पर वायरल ही नहीं हो रही है, परत दर परत बदहाली की ऐसी तस्वीरें आती ही रहती हैं, सवाल उठते ही रहते हैं, जवाब के नाम पर लीपापोती होते ही रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज़।